पश्चिम बंगाल में हिंसा की शिकायतों पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, एक दिन पहले कल रात 10 बजे ही खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल में 19 मई को 9 सीटों पर होगा सातवें और आखिरी दौर का मतदान। तय कार्यक्रम के मुताबिक 17 मई को था प्रचार का आखिरी दिन। पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अत्रि भट्टाचार्य पर गिरी गाज, चुनाव के कामों से अलग किए गए। ममता सरकार को चुनाव आयोग का झटका, एडीजी सीआईडी राजीव कुमार को हटाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, अमित शाह के रोड शो में हिंसा को लेकर की शिकायत। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में बवाल को लेकर पीएम मोदी का ममता पर निशाना, राजपाट खोने के डर से बौखलाई ममता, इसी साल उखाड़ फेंकेंगे सत्ता। आसानी से डिगने वालों में ये मोदी नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि मोदी का रक्षा कवच 130 करोड़ देशवासी है। मीम पर बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर भी बोले मोदी, मेरा भद्दा चित्र बनाकर मुझे दे दे, फिर भी नहीं कराऊंगा एफआईआर। पीएम ने ममता पर लगाया बंगालियों की परंपरा को तार तार करने का आरोप, बोले अपनी ही परछाई से डरी हुई है दीदी। बशीरहाट से पहले झारखंड के देवघर में पीएम की रैली, कहा नाखून कटाकर शहीद होने वालों की होड़ में है कांग्रेस। कोलकाता में अमित शाह की रैली में हिंसा पर टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ने का आरोप। आरोप के सबूत में टीएमसी ने चुनाव आयोग को सौंपा वीडियो, पार्टी ने अपने पास 44 वीडियो होने का किया दावा। विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने के खिलाफ ममता का विरोध मार्च, कोलकाता के बेलियाघाटा में श्याम बाजार तक पदयात्रा में उमड़ी भारी भीड़। कोलकाता में हिंसा को लेकर अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं। सूत्रों की खबर, पश्चिम बंगाल में हिंसा पर गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर जताई चिंता। कोलकाता की हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा आरोप, अगर सीआरपीएफ नहीं होती तो मेरा बचना मुश्किल था। अगर कल सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन मुझे प्राप्त न होता तो मेरा वहां से बचकर निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सौभाग्य से ही मैं बचकर आया हूं। अमित शाह बोले, मेरे रोड शो में बवाल, लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग मूक दर्शक बने रहे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, खुद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तोड़ी विद्यासागर की मूर्ति। अमित शाह के आरोपों का टीएमसी ने दिया जवाब, डेरेक ओब्रायन ने शाह को बताया झूठा। डेरेक ओब्रायन का आरोप, विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ने के बाद लगा नारा, विद्यासागर शेष, वेयर इज द जोश। विद्यासागर शेष, वेयर इज द जोश। विद्यासागर फिनिश, वेयर इज द जोश। सिर्फ पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के आरोप को टीएमसी ने किया खारिज, कहा बंगाल के 40,000 बूथ में सिर्फ 6 पर हुआ पुनर्मतदान, त्रिपुरा की 170 बूथों पर हो रहा रिपोल। डेरेक ओब्रायन का बड़ा आरोप, अमित शाह की रैली में आए थे बाहरी लोग, तेजिंदर बग्गा की मौजूदगी पर उठाए सवाल। डेरेक ओब्रायन के आरोप पर तेजिंदर बग्गा की चुनौती, कहा साबित करें कि 500 मीटर के आसपास भी था। शाह की रैली में बाहरी लोगों के आने के आरोप पर भड़के अशोक पंडित, डेरेक ओब्रायन से पूछा, बंगाल तुम्हारे चाचा का है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ने पर भड़के छात्र, कोलकाता में टीएमसी यूथ विंग के छात्रों का प्रदर्शन। हावड़ा में भी सड़कों पर उतरे टीएमसी के कार्यकर्ता, अमित शाह छी छी के लगाए नारे। मिदनापुर में टीएमसी का प्रदर्शन, अमित शाह के पुतले जलाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कोलकाता की घटना पर बीजेपी महिला सेल का मौन प्रदर्शन, मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध। सिकंदराबाद में बीजेपी ने काले झंडे के साथ किया विरोध प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के पास दिया धरना। कोलकाता में बवाल से लेफ्ट व्यू लाल, सीताराम येचुरी ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। जयपुर तक पहुंची कोलकाता कांड की गूंज, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कोलकाता की घटना पर बीजेपी टीएमसी में वीडियो वॉर, दोनों खेमों ने वीडियो जारी करके एक दूसरे को ठहराया हिंसा करने का दोष। वाराणसी में प्रियंका गांधी का रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में चुनाव प्रचार। बीएचयू गेट से शुरू हुआ प्रियंका का रोड शो, मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरुआत।
रोड शो के दौरान ट्रक से उतरकर कार्यकर्ताओं से मिली प्रियंका, कांग्रेसियों ने बोतल में गंगा का पानी दिखाया। रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने किया हंगामा, आपस में धक्का मुक्की भी। रोड शो के दौरान बेहोश हुए युवक का प्रियंका ने लिया हालचाल, युवक को पहुंचाया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के सलेमपुर में प्रियंका की रैली, पीएम पर झूठे प्रचार की राजनीति का लगाया आरोप, कहा यह मजबूत नहीं मगरूर सरकार। बच्चे ऑक्सीजन की कमी की वजह से गुजर गए, कम से कम उस हादसे से कुछ सीख तो लेते, लेकिन मजबूत सरकार नहीं है, मगरूर सरकार है। मिशन पंजाब पर निकले राहुल गांधी, लुधियाना और फरीदकोट में ताबड़तोड़ रैलियां, पीएम पर लगाया छोटे कारोबारियों को तहस नहस करने का आरोप। लुधियाना में राहुल ने ट्रैक्टर चलाकर मांगे वोट, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी ट्रैक्टर में राहुल के साथ निकले। पंजाब के पठानकोट में रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का सुरीला प्रचार, वीडियो वायरल। ममता बनर्जी की मीम पर गिरफ्तार प्रियंका शर्मा का रिहाई के बाद आरोप, जेल प्रशासन ने जबरदस्ती माफीनामे पर साइन करवाए। प्रियंका ने कहा जेल में प्रताड़ित किया गया, नहीं मांगूंगी माफी, आगे भी लड़ती रहूंगी, कोई पछतावा नहीं। प्रधानमंत्री पर मायावती के हमले जारी, आज कहा गुजरात के सीएम के तौर पर उनकी विरासत काले धब्बे जैसी। बीएसपी को बहन जी संपत्ति पार्टी कहने पर भी मायावती का पलटवार, कहा यह संपत्ति लोगों के दिए हुए प्यार की है। तमिलनाडु के थोपुर में कमल हासन का रोड शो, गोडसे को आतंकवादी बताने वाले बयान के बाद पहला रोड शो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ममता पर निशाना, कहा बगदादी से प्रेरित होकर बनना चाहती है बगदीदी। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, शख्स ने तिरंगा लहराकर की नारेबाजी। दिग्विजय सिंह ने मोदी को बताया शनि, कहा अब देश का शनि उतरने वाला है। और देश में से शनि भी उतरने वाले हैं नरेंद्र मोदी। पालमपुर की रैली में स्मृति ईरानी का ममता पर हमला, कहा भारत में एक ऐसा राज्य है जहां जय श्री राम के नारे लगाने पर हो जाती है जेल। पुलवामा में शहीद मनिंदर सिंह के परिवार से मिले बीजेपी प्रत्याशी सनी देओल, बाद में दीनानगर में किया रोड शो। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राघव चड्ढा का बीजेपी पर स्ट्रांग रूम में घुसकर ईवीएम से छेड़खानी का आरोप, तैनात किए वॉलंटियर्स। पश्चिम बंगाल से सामने आया चुनावी धांधली का सनसनीखेज वीडियो, वोटर को निर्देश देता नजर आ रहा एक शख्स। बोलपुर के बूथ नंबर 172 का बताया जा रहा वीडियो, आज तक ने चुनाव आयोग को भेजा वीडियो। एसपी नेता किरणमयी नंदा की बदजुबानी, पीएम मोदी और अमित शाह के लिए की आपत्तिजनक बात। रायबरेली में जिला पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हंगामे पर बड़ा बवाल, कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी मिली। खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।